एक्सेल के कुछ चुनिंदा और बेहतरीन ट्रिक्स एंड हैक्स लेके आप लोगों के सामने फिर से हाजिर। तो टॉप 5 ट्रिक्स और हैक्स आप लोगों के सामने एक एक करके एक्सप्लोर करने की कोशिश, ये रहा आपके सामने। तो पहला ट्रिक्स प्रिंटआउट से रिलेटेड, जिसमें मेरे पास ये रहा डेटा सेट और इस डेटा सेट के बेस पर अगर मैं कंट्रोल पी प्रेस करूं प्रिंटआउट लेना, यहाँ पे मेरे पास 17 पेज है। अगर मैं फर्स्ट पेज के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूं यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे इसमें से हेडर गायब हो गया, जबकि मुझे हर पेज पे वो हेडर चाहिए होगा। देख लीजिए, नहीं है, बट जो फर्स्ट पेज है वहाँ हेडर है। आप इसका ऑप्शन जानते हैं, आप कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चले जाएं पेज लेआउट में, यहाँ से प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये जो रोज टू रिपीट एट टॉप, ये आप भी जानते हैं। इस तरीके से लूंगा, ओके बटन प्रेस करूंगा और अब अगर मैं कंट्रोल पी प्रेस करूं तो आपका हर पेज पे ये आ रहा होगा। देखिए हेडर आ रहा है ना, देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज करूंगा, मैं सिर्फ एक छोटा सा काम करने जा रहा हूँ। ये जो हेडर है ना, आप इसे सेलेक्ट करें और इस हेडर का एक नेमिंग रेंज दे दें, जैसे कि मान के चलते हैं मैंने दे दिया प्रिंट अंडरस्कोर टाइटल्स, ये मैंने हेडर दे दिया इसका, बस हो गया काम। और अब कंट्रोल पी प्रेस करिए, पहले पेज पे दिख रहा है ना, नेक्स्ट पेज पे जाइए तो जरा क्या प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं प्रिंट टाइटल्स, वहां जाने की जरूरत है या ये आपको आसान रास्ता दिखा। ट्रिक्स नंबर 2, इस डेटा सेट को देखिए, इसमें मुझे क्या करना है, मुझे जो भी अमाउंट है उसमें 10% 20% अगर मुझे ऐड करना हो तो जो टोटल अमाउंट है उसका प्लस हो जाना चाहिए इतना परसेंट। तो मैं यहां पे सपोज कैसे लिख दूंगा 1.1, मतलब क्या जो टोटल अमाउंट है उसमें ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं परसेंटेज। अब इसे मैं सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस, डेटा सेट को सेलेक्ट, और सेलेक्ट कर देने के बाद पेस्ट स्पेशल पे चले जाएं, यहां पे इसे पहले तो बनाना होगा वैल्यू और साथ के साथ इसे करना होगा मल्टीप्लाई, हो गया काम, ओके बटन प्रेस। ये रहा आपके सामने जो अमाउंट आपने एड ऑन करने की कोशिश की थी परसेंटेज के साथ, वो आपके सामने। ट्रिक्स नंबर 3, यहां पे मैं कुछ वैल्यू अगर लिखूं, देख लीजिए इस तरीके से मैं वैल्यू लिखूं, तो ये मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली जो डेसिमल पॉइंट है ये अपने आप इंसर्ट हो गया, मैं बार बार मैनुअली ऐसा काम नहीं करना चाहता हूं। उसके लिए मैं छोटा सा काम करूंगा, एक ऑल्टरेशन फाइल में चला जाऊंगा, ऑप्शंस में चला जाऊंगा, और जाने के बाद यहां पे आपके पास एडवांस का ऑप्शन है, यहां एडिटिंग ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा, ये रहा, और यहीं पे आपके पास ऑप्शन है ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेसिमल पॉइंट। ये अगर मैं चेक करके रखूं तो कितना डेसिमल पॉइंट, मैंने दिया 2, ओके बटन प्रेस, और अब यहां पे आप वैल्यू लिखने की कोशिश देख लीजिए, हरी बात समझ में, कितना बढ़िया ऑप्शन, इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट किया आपके लिए डेसिमल पॉइंट। ट्रिक नंबर 4, ये एजिंग निकालने की कोशिश करूंगा, मेरे पास अगर डेट का सेट हो तो उसे पहले तो टेबल में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसके बाद इक्वल टू ये रहा करेंट डेट सपोज फ्रेज कर दिया जाए माइनस इसमें से जिसका एजिंग पता करना है, इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। देख लीजिए, आ जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे होम टैब में चले जाना है, डेट को कन्वर्ट कर देना है नंबर में, और ये रहा आपके सामने एजिंग का डिफरेंस। ट्रिक नंबर 5, प्रिंट आउट से रिलेटेड अगेन, ये रहा डेटा सेट और इस डेटा सेट को जरा देखिए एक बार, मैं ये कंप्लीट पेज सिंगल पेज में चाहता हूँ, प्रिंट आउट निकालना चाहता हूँ एक ही पेज में, भले ही इतना सा साइज कर दो मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए बड़ा ही सिंपल मेथड है, अगर मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगा नहीं आने वाला, बट मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे देखिए आपको चले जाना है पेज लेआउट में, यहाँ है विड्थ, इस विड्थ में ऑटोमेटिक जो है ना उसको मैं कहूंगा 1 पेज कर दो ना, 1 पेज, कंट्रोल पी, प्रिंट आउट निकालने की कोशिश, और आप देख सकते हैं भले ही छोटा साइज कितना ही कर दो सिंगल पेज में चाहिए सिंगल पेज में ला दी। और आज का वीडियो से कुछ नहीं कहना।